ऐसी शख्सियत को जिन्होंने 100 साल फिल्म दो में 70 साल से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के दिए, ऐसी शानदार और जानदार ज़िंदगी दी उन्होंने, जो 400 से ज़्यादा फिल्में की, हम लोगों के लिए मार्गदर्शक रहे, अपने तमाम फैंस के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी रहे अपने चाहने वाले और परिवार वालों के लिए, कि ऐसे ऑन द स्क्रीन जो लार्जर देन लाइफ रहे, बट ऑफ द स्क्रीन एंड रियल लाइफ में जो लार्जर देन लाइफ रहे, रियल लाइफ में एक डाउन टू अर्थ, एक बहुत ही नेक, एक बहुत दयालु, एक बहुत ही बढ़िया कलाकार, एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति, आज वैसा व्यक्तित्व है, वैसा शख्सियत हमारे बीच में नहीं है। ऐसे प्राण जी को मेरा सलाम, माय हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट एंड सैल्यूट। जिसने 70 साल लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया, पूरे 125 करोड़ की आबादी में किसी माँ बाप ने अपने बच्चे का नाम ना तो रावण रखा और ना प्राण रखा, ये प्राण साहब की कामयाबी थी। ये प्राण साहब का कैरेक्टर करने का तरीका था कि वो इतनी ईमानदारी से करते थे। प्राण साहब में जो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बेईमानी का काम भी बड़ी ईमानदारी से करते थे, अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उनकी मौत पर आंसू बहा रही है। सिर्फ दुनिया ही नहीं बहा रही है, आसमान से भी आंसू टपक रहे हैं, आसमान से भी बारिश हो रही है। ग्रेट डिसिप्लिन, ग्रेट डेडिकेशन, आई एम रियली गोइंग टू मिस हिम। अ रिमार्केबल मैन एंड हिज स्लॉट नेवर बी फिल्ड बाय एनीबॉडी, लेट मी अश्योर यू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ताकतवर इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं होती, ताकतवर इंसान दूसरों को बनाता है और दूसरों को ऊँचाइयों पर पहुँचाता है। प्राण ने दूसरों को ऊँचाइयों पर पहुँचाया, दूसरों को बनाया। अगर प्राण के पास में कोई आया नहीं, प्राण को किसी की ज़रूरत नहीं थी। प्राण ने हमेशा खुद मेहनत की, खुद अपने डेडिकेशन से अपने रोल के साथ में उन्होंने न्याय किया और कईयों के उन्होंने अपनी उंगली के इशारे से ऊंचाइयों पर पहुंचा। यू नो सर, ऑनेस्टली दिस इज़ आई मीन वी आर ऑल एक्सट्रीमली सैड अबाउट दिस लॉस टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड टू समवन हुज़ एज रिस्पेक्टेड एज हिम, टू हैव लॉस्ट समवन लाइक हिम। I feel that 1 minute of silence was a very wonderful gesture. I'm thankful to whoever thought of that. You know, I don't know what to say about the man. I mean, his work is there for everyone to see. You know, and he's a man who's lived his life with a tremendous amount of dignity. And people have always respected him for that. He's a very non-controversial figure. He was always there for the film industry. He was always there for people whenever they needed help. Everyone is mourning his loss, and we are no different from them. So, it's very, very sad, very, very tragic.